हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू थ्री सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको फाइंड करना है एक रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो जब आपका फाइनल आंसर आएगा तो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको आंसर दिखेगा सो so यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है कि जो आपका फंक्शन एफ डिफाइंड है दैट मीन्स दिस फंक्शन वो एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है किस पर थ्री पर तो आपके पास एक ऑलरेडी वैल्यू गिवन है और वो क्या है ध्यान से देखो वो कहते हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू थ्री इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन हैं, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ठीक है तो कॉन्टिन्यूस से मतलब क्या हुआ आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एट दैट पॉइंट ये थ्री की थ्री वैल्यूज इक्वल आएंगी राइट right? इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है राइट right? एंड आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको आप किसके इक्वल रख सकते हो राइट हैंड इक्वल राइट हैंड लिमिट के इक्वल रख सकते हो एंड वो वैल्यू किसके इक्वल रख सकते हो एट दैट पॉइंट पर सो so, ये आप थ्री वैल्यूज इक्वल रख सकते हो कब जब आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस गिवन होगा तो so, यहाँ पे फंक्शन तो मेरा कॉन्टीन्यूस गिवन है तो so, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट पे कोई भी वैल्यू आए हम इन थ्री वैल्यूज़ को इक्वली रख के सॉल्व कर सकते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ठीक है सो लेट सॉल्व दिस सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देती हूँ x टेंस टू थ्री माइनस ऑफ एफ एक्स सो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो फंक्शन के अंदर थ्री माइनस एच सो so, जब x की वैल्यू थ्री से कम होगी दैट मीन्स x लेस देन थ्री तो आपको ये फंक्शन यूज करना है सो so, जहां पर फंक्शन में x है वहां पर आप थ्री माइनस एच आपको लिखना है वैल्यू सो लिमिट h टेंस टू जीरो सो यहाँ पर जब h की वैल्यू जीरो डालेगी यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी थ्री ए प्लस वन सो ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी है इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालो सो so, जब एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी है तो आपके पास ये फंक्शन है ठीक है सो लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री प्लस एच प्लस थ्री सो इसको जब सो so, जब एच की वैल्यू ज़ीरो डालोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी थ्री बी प्लस थ्री सो एज आपको यहाँ पे तो वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट लग रही हैं लेकिन आप इनको इक्वल रख सकते हो क्यों रख सकते हो क्योंकि आपको बताया गया है कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है हर हालत एट दिस पॉइंट राइट सो यहाँ पे एफ ऑफ थ्री पे वैल्यू आपके पास कौन से फंक्शन में आप डालोगे जिसमें एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू थ्री है सो so आपका फंक्शन क्या यूज होगा ये वाला राइट सो यहाँ पे वैल्यू डल जाएगी थ्री दैट मीन्स थ्री ए प्लस वन सो ये टू वैल्यूज तो इक्वल आई हैं इसमें से कोई एक वैल्यू लिख लो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या था इस स्टेटमेंट का जब ये थ्री वैल्यूज इस तरह से इक्वल में आप लिख सकते हो क्योंकि आपको प्रोवाइड है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है कॉन्टीन्यूस फंक्शन सो यहाँ पे मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रही हूँ सो so, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते ही आपके पास एक रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी ठीक है सो so, यहाँ पे थ्री बी माइनस थ्री ए सो ये उधर जाएगा वन माइनस थ्री सो थ्री की वैल्यू कॉमनली मैंने यहाँ से वैल्यू क्या आई माइनस टू सो ये वाले थ्री को मैंने उस साइड भेज दिया लाइक दिस सो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्म है इस साइड आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव टर्म उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी तो एक्वल टू बी प्लस टू बाई थ्री आपका एक रिलेशन जनरेट हो गया है जो आपसे पूछा गया था राइट सो दिस इज योर फाइनल आंसर नो लेट सी क्वेश्चन नंबर एटीन फॉर वट वैल्यू ऑफ लैमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एट जीरो वैल्यू इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्व टू जीरो एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहां तक इसके बाद सेकंड पार्ट देखो व्हाट अबाउट द कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इक्व टू वन सबसे पहला पार्ट समझो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है कब जब ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है उन्होंने बोल रखा है कि आपका ये कॉन्टीन्यूस है फंक्शन एट एक्स इक्व टू जीरो ठीक है सो so अगर कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्व टू ज़ीरो सो आपके पास कोई भी वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट उसको आप इक्वल्स टू रख सकते हो राइट हैंड लिमिट उसको आप किसके इक्वल रख सकते हो एट दैट पॉइंट राइट सो वैल्यूज़ आपकी कुछ आएंगी तो उनको आप इक्वल्स टू रख के सॉल्व करोगे तो आपके पास लैमडा की वैल्यू आ जाएगी ठीक है सो ये तो हो गया एट ज़ीरो के लिए आगे वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू वन तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे करेंगे लेट सी सबसे पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर देती हूँ सो so यहाँ पे जब मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ एट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स आपके पास वैल्यू आएगी सो so, जब आपके एक्स की वैल्यू जीरो से कम है तो आपके पास कौन सा फंक्शन यूज होगा ये वाला सो so, जहां पर एक्स है वहां पर जीरो माइनस एच वैल्यू आ जाएगी सो so, यहाँ पर जैसे ही आप एच की वैल्यू जीरो डालेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी जीरो माइनस जीरो दैट इज लैमडा टाइम्स ऑफ जीरो वैल्यू आ रही है ठीक है अभी इसको मैं इसी तरह से लिख रही हूँ आपको बाद में पता चल जाएगा कि क्यों अब राइट हैंड लिमिट देखो जीरो प्लस सो एक्स की वैल्यू जब जीरो से बड़ी है तो आपके पास ये फंक्शन है सो so, यहाँ पर वैल्यू जैसे ही मैं एक्स में डालूंगी सो so, एच की वैल्यू जीरो डालते ही आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है इक्वल्स टू वन ठीक है एट दैट पॉइंट पर भी देख लेते हैं कि इक्वल्स टू जीरो के लिए आपका फंक्शन है ये मतलब जहां पर एक्स है वहां पर जीरो वैल्यू डलेगी सो यहाँ पे जीरो और जीरो मतलब लैमडा टाइम्स ऑफ जीरो माइनस जीरो सो अल्टीमेटली ये वैल्यू आएगी सो so ये थ्री वैल्यूज़ जो हैं आपकी इक्वल रख सकते हो क्यों क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका जो फंक्शन है ये वाला कॉन्टिन्यूस है किस पे ज़ीरो पे तो हमने इन थ्री वैल्यूज़ को इक्वल रख सकते हैं दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई थी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई थी एंड एट दैट पॉइंट आपके पास वैल्यू क्या आई थी ये ठीक है so, सो आप कोई एक वैल्यू उठा लो क्योंकि ये टू वैल्यूज तो आपकी सेम है सो वन इक्वल्स टू लैमडा टाइम्स ऑफ जीरो मतलब प्रोडक्ट में है ठीक है सो ये वैल्यू जब प्रोडक्ट में है तो उधर जाकर डिवाइड फॉर्म में आएगी सो लैमडा इक्वल्स टू वन बाय ज़ीरो दैट इज नॉट डिफाइंड वैल्यू दैट मीन्स इंफिनिटी सो आपकी जो वैल्यू है लैमडा की वो नॉट डिफाइंड आई है आपको वैल्यू फाइंड करनी थी लैमडा की वो आपने कैसे निकाली है बहुत ही सिंपली वे से सो so, यहाँ पर आपके लैमडा की वैल्यू निकल के आ चुकी है नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आपको कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू वन लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज़न स्टूडेंट्स को ये हो जाती है कि वो वैल्यू फंक्शन कौन सा यूज करे वन के लिए जीरो के लिए तो उन्होंने दे रखा था लेकिन आपके लिए वन के लिए हम कौन कौन से फंक्शन पे वैल्यू डालेंगे राइट सो so, यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये वैल्यू क्या कहती है ये फंक्शन आप कब यूज़ कर सकते हो जब आपके एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी सो so, ज़ीरो से बड़ी वाली वैल्यू वन भी है टू भी है थ्री भी है लेकिन आपको सिर्फ वन पर चेक करनी है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो सो so, अगर आपके पास वैल्यू होगी लेफ़्ट लिमिट के लिए मतलब आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू वन से छोटी होगी दैट मीन्स तब भी यही फंक्शन यूज़ होगा क्यों क्योंकि जीरो से बड़ी वैल्यू और वन से छोटी वैल्यू अल्टीमेटली यही फंक्शन आपको पिक करने को कहेगी राइट right? क्योंकि ये ऐसी वैल्यू है जो ज़ीरो से बड़ी है और वन से छोटी भी कह सकते हो आप राइट right? क्योंकि अगर ज़ीरो से बड़ी है तो वो वैल्यू जीरो पॉइंट वन भी हो सकती है ज़ीरो पॉइंट टू भी हो सकती है लेकिन ये वैल्यूज क्या है वन से तो छोटी ही हैं तो ये फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यूज होगा राइट हैंड लिमिट के लिए भी यूज होगा एंड एट दैट पॉइंट के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो राइट सो आप जब कॉन्टीन्यूटी चेक करने जा रहे हो एट एक्स इक्वल्स टू वन तो आप कौन सा फंक्शन लेंगे ये वाला सो so, यहाँ पे हम कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू वन सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ सो फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू डलेगी वन माइनस एच ठीक है सो आपके पास यही फंक्शन है तो यहाँ पर जैसे ही आप जीरो वैल्यू डालते हैं एच की जगह तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी फोर प्लस वन दैट इज़ फाइव सो लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू आई है फाइव नो लेट्स चेक ऑन राइट हैंड लिमिट सो फंक्शन आपका यही रहेगा सो so जब एच के अंदर आपकी वैल्यू जीरो डालेगी अगेन आपके पास वैल्यू क्या आएगी फाइव एंड एट दैट पॉइंट भी आपका फंक्शन क्या है यही यूज होगा सो so वैल्यू डाल दो एक्स की जगह वन आपके पास वैल्यू क्या आएगी अगेन फाइव तो यहाँ पर भी फाइव है वैल्यू यहाँ पर भी फाइव है वैल्यू और यहाँ पर भी वैल्यू फाइव है सो एज योर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एट दैट पॉइंट ऑल्सो सेम वैल्यू यू आर गेटिंग हैंस दिस इज कॉन्टीन्यूअस एट वन सो आपको चेक करनी थी कॉन्टीन्यूटी वन के लिए तो आप लिखोगे हैंस कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन ठीक है So, ये था आपका क्वेश्चन नंबर एटीन शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज डिसकॉन्टीन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट हेयर दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है ये है आपका फंक्शन जिसमें कि ये वैल्यू क्या है ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सो so, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल फिफ्टीन करवाया है फॉर एक्सरसाइज़ फ़ाइव पॉइंट वन उसको अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन करना आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा ठीक है सो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे सो so, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आप एक पॉइंट लेके चेक कर सकते हो एज यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं गिवन है तो एट ए पे मैं चेक कर रही हूँ सो लेट्स फाइंड अवर लेफ्ट हैंड लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन के अंदर वैल्यू डलेगी ए माइनस एच सो फंक्शन आपका क्या है ये सो so, जहां पर एक्स वैल्यू है वहां पर ए माइनस एच वैल्यू आ जाएगी सो so, ये तो एक नॉर्मल ब्रैकेट में है वैल्यू लेकिन यहाँ पे a माइनस एच जो वैल्यू है वो एक स्क्वेयर ब्रैकेट में है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब वैल्यू कुछ माइनस होती है तो एक्जैक्टली exactly वो कितनी माइनस होती है वो भी मैंने आपको बताया था तो ये होती है वैल्यू a माइनस वन सो जैसे ही मैंने ये नॉर्मल ब्रैकेट में लिखा आपके पास वैल्यू क्या ए माइनस वन सो so, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास वैल्यू क्या आएगी ए माइनस एच माइनस ए प्लस वन सो ये कैंसिल होगी वैल्यू एच में जैसे ही वैल्यू जीरो डलेगी तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे ओनली वन सो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास वैल्यू आई है वन नो लेट सॉल्व फॉर राइट हैंड लिमिट सो फंक्शन के अंदर ए प्लस एच वैल्यू डल रही है सो so, अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू क्या हो रही है ए में कुछ ऐड हो रही है तो जब भी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू ऐड होती है तो आपके पास क्या वैल्यू आती है ओनली ए ठीक है ये वैल्यू किस तरह से दिखेगी आपको सॉरी यहां पे ये वैल्यू सिर्फ ए रह जाएगी सो दैट मीन्स माइनस ए सो यहाँ ए से ए कैंसिल और एच में वैल्यू डलेगी जीरो तो यहां से वैल्यू आई है आपकी जीरो और यहाँ से वैल्यू आई है आपकी वन तो क्लियरली है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट लिमिटॉन्टीन्यूअस इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस आपको इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की ठीक है सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं सो so, जहां पर वैल्यू एक्स है वहां पर आपको क्या डालनी है वैल्यू पाई माइनस एच तो आपका फंक्शन इस तरह से दिखेगा राइट right? सो so, इसको सॉल्व करो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे पाई का स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर माइनस टू पाई एच राइट और यहाँ पर वैल्यू देखो क्या आएगी साइन 180 एटी माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा ही होता है क्यों क्योंकि 180 एंड थ्री में नो चेंज लेकिन अगर आपकी वैल्यू 180 एटी यहाँ पर है और उसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हो तो आप कहाँ पे आ जाओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव ही होती है So, यहाँ पे आपके पास सिंपल साइन एच वैल्यू आ जाएगी आई होप ये आपको समझ आ गया हो बिकॉज साइन 180 एटी माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है मैंने आपको लिख भी दिया है सो so, यहाँ पे जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली exactly आपकी यहां पर आ चुकी है सो so, अब यहाँ पर सॉल्व करने के बाद एच की वैल्यू डाल दो जीरो यहां पर पाए का स्क्वेयर यहाँ पे जीरो और साइन जीरो वैल्यू क्या होती है गेन जीरो दैट मीन्स पाई स्क्वेयर प्लस फाइव आपकी वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड लिमिट से इसी तरह से आप सॉल्व करो राइट हैंड लिमिट सो अब यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू क्या आएगी आपकी पाई प्लस एच सो यहाँ पे तो आप ए प्लस बी स्क्र की आइडेंटिटी ओपन कर लोगे यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी अब यहाँ पे माइनस की जगह क्या है बस प्लस है तो 180 में कुछ ऐड कर रहे हो 180 एटी यहाँ पर है तो आपने जब 180 में कुछ ऐड किया तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे राइट तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव तो जैसे ही साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपके पास साइन का साइन ही आएगा साइन 180 एटी प्लस एच इक्वल्स टू साइन एच ही आएगा लेकिन साइन एच के साथ वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की दैट मीन्स साइन पाए माइनस एच की वैल्यू आएगी माइनस टाइम्स ऑफ साइन एच ये माइनस क्यों लगा क्योंकि थर्ड क्वार में साइन की वैल्यू होती है आपकी नेगेटिव ठीक है सो यहाँ पर पाए का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू पाई एच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ऑलरेडी है और माइनस इस वैल्यू के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा राइट सो प्लस साइन एच मैंने लिख दिया है आई होप यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी यहाँ पे एच की जगह वैल्यू डालोगे तो आपके पास अगेन वैल्यू क्या आएगी पाई पाएस्क्र प्लस फाइव तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ चुकी है अब एट दैट पॉइंट पर भी हम चेक कर लेते हैं सो तो यहाँ पे पाई स्क्वेयर माइनस साइन पाई सो साइन बॉन एटी कितना होता है आपका जीरो होता है सो यहाँ से आपके पास अगेन सेम वैल्यू आई है सो हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस वैल्यू सो नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल